एक बिहार का व्यक्ति दूसरे बिहार के चेहरे को इसी तरह प्रस्तुत करता है जैसा कि डॉक्टर अनिल चौबे ने किया मेरे साथ। बनारस का निवास प्रमाण पत्र है इनके पास, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, इसलिए अपने आप को बनारसी समझ चुके हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हमारा शोषण करते हैं। देखिए, हेलो 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 भाई, माइक वाले इसको भी, हाँ हमको हमेशा बोलना तुम बंद ना करो, बंद ना करो। तो ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं आधार कार्ड बन गया है और ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे मुंह पे मत जाइए, जब हम पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, ये बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, अब हमको अपना मुंह जो है उसी आधार कार्ड के हिसाब से रखना पड़ता है। जब कहां भी जाइए मुंह नहीं मिला आधार कार्ड से तो आपको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आधार कार्ड के पहले पूरे विश्व में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, तुलसी बाबा ने कहा कि पांच तत्व से अधम शरीरा, अधम शरीरा, अधम शरीरा। हाँ वो आपके 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 लिए कहते अधम शरीरा, बात सुन लो बाबू। कहा कि पांच तत्व से पूरे सृष्टि में सबका शरीर बना हुआ है, ये केवल भारत के बाहर लागू होता है, भारतीयों का सात तत्व से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दो जब लिंक कराया जाता है तब भारतीय का शरीर बनता है। इस पे आप तालियां बजनी चाहिए आपकी, सात तत्व बनते हैं। माँ गंगा का किनारा, काशी का 80 घाट और रंगभूमि ग्रुप ऑफ आर्ट का ये तीसरा वर्ष। हमारे मित्र अनुराग मौर्य जी, शुभम तिवारी जी और पत्रकार अमरेंद्र पांडे जी के सहयोग से, उनकी पूरी टीम जो लगातार 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को आपके समक्ष काशी के तट पर, गंगा के तट पर इसे सजाते सजाने और संवारने का काम करती आ रही है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, 5 जून को पर्यावरण दिवस पड़ता है और उसके उपलक्ष्य में 2-3 दिन पहले ये रविवार के दिन हरियर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पिछले साल भी हम लोग यहाँ उपस्थित थे, इस बार भी उपस्थित हैं और काशी के सभी सुरभि श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने संकल्प ट्यूटोरियल्स के चेयरमैन अशोक चौरसिया जी बैठे हैं, प्रख्यात समाजसेवी बड़े भाई ओझा जी बैठे हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से धीरेन्द्र पांडे जी, बिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर शैलेंद्र चौबे जी, संतोष पांडे जी, प्रभाकर तिवारी, डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, रजनीकांत जी, तमाम हमारे मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और काशी की धरती को, गमा गंगा के तट को 4 पंक्तियां में निवेदित करता हूँ, यहीं से अपनी कविता का शुरुआत करता हूँ। स्वागत है कि मिट्टी की काया को अपने चंदन करने आते हैं, मिट्टी की काया को अपने चंदन करने आते हैं, सार श्री सन्यासी का अभिनंदन करने आते हैं, मिट्टी की काया को अपने चंदन करने आते हैं, सार श्री सन्यासी का अभिनंदन करने आते हैं, अर्थ काम से मन भर जाए धर्म मोक्ष की आस लिए, विश्वनाथ के नगरी का संबंधन करने आते हैं, विश्वनाथ के नगरी का संबंधन करने आते हैं। और काशी के 80 घाट पे हम लोग विराजमान हैं। जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि काशी अब क्योटो बन जाएगी, तो 2 पंक्तियां में उसमें लिखा था और निवेदित किया था काशी को कि असी गंग के तीर सुनो तुलसी की चित्कार, असी गंग के तीर सुनो तुलसी की चित्कार, काशी अब क्योटो भाई कबीरा पिटे कपार, काशी अब क्योटो भाई कबीरा पिटे कपार। काशी पहले से सुदृढ़ हुई है, समृद्ध हुई है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं। पर्यावरण के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है, मैं 4 पंक्तियां निमित करता हूं पर्यावरण को, कि बहारों में सुनापन है कसक होती बहारों में, बहारों में सुनापन है कसक होती बहारों में, पनघट हो चुका सुना उदासी है किनारों में, कोयल कूकने को खोजती है आम की डाली, पपीहा मोर से करता है बातें अब इशारों में, पपीहा मोर से करता है बातें अब इशारों में। बड़े भाई डॉक्टर अनिल चौबे जो संचालन कर रहे हैं,
परिचय के संदर्भ में बहुत तरह तरह की बात की है। 23 मई को जब रिजल्ट आ रहा था लोकसभा चुनाव का, 12 बजे के बाद में जब इनके घर पे पहुंचा तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे जैसे कन्नौज और अमेठी के प्रभारी हो। मैंने कहा कि भैया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप तो मोदी मोदी कर रहे थे, क्या दिक्कत है, मुंह क्यों लटकाए बैठे हैं? तो इनके श्रीमती जी से पता चला कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज का प्रभारी बनाया था इनको, और कन्नौज सीट भौजाई हार गई थी। लुट गए सारे राजघराने, चढ़ा न सर पे ताज। लुट गए सारे राजघराने, चढ़ा न सर पे ताज। एक सीट पुश्तैनी थी, हार गए युवराज। एक सीट पुश्तैनी थी, हार गए युवराज। क्या बात है, लुट गए सारे राजघराने, चढ़ा न सर पे ताज। एक सीट पुश्तैनी थी, हार गए युवराज, हार गए युवराज। और मैं सीधे सीधे आता हूँ अपने, जो मैं जिस विधा में पढ़ता हूँ उस विधा में आता हूँ और आप लोग के बीच कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि चिल्लाओ सर पीटो, चिल्लाओ सर पीटो, ईमान की बात करो तुम्हारी कौन सुनेगा। चिल्लाओ सर पीटो, ईमान की बात करो तुम्हारी कौन सुनेगा। उठाए बोझ कंधे पर पूरे जहान की बात करो तुम्हारी कौन सुनेगा। यहां सिद्धांत की बखिया उधेड़ी रोज जाती है, गीता की, कुरान की, भगवान की बात करो तुम्हारी कौन सुनेगा। गीता की, कुरान की, भगवान की बात करो तुम्हारी कौन सुनेगा। बड़े बंगले मखमली बिस्तर, बड़े बंगले मखमली बिस्तर पर आराम कहां है। बड़े बंगले मखमली बिस्तर पर आराम कहां है। जुटा ली दौलत करोड़ों की पर वो नाम कहां है। अब तो चैन की नींद भी नहीं आती है चंचल, सुबह बनारस और अवध की शाम कहां है। सुबह बनारस और अवध की शाम कहां है। हर बात में दौलत की हनक अच्छी नहीं लगती, हर बात में दौलत की हनक अच्छी नहीं लगती। रोटी के जगह सिक्कों की खनक अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, वाह। हर बात में दौलत की हनक अच्छी नहीं लगती, रोटी के जगह सिक्कों की खनक अच्छी नहीं लगती। आदमी आदमी में आदमी ढूंढता है, ये सच है कि शैतानी सनक अच्छी नहीं लगती। ये सच है कि शैतानी सनक अच्छी नहीं लगती। खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, नालायक को लायक बनने की जल्दी है। जो अपने गांव की चौहद्दी तक नहीं जानता वैसे शख्स को विधायक बनने की जल्दी है, वैसे शख्स को विधायक बनने की जल्दी। खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, नालायक को लायक बनने की जल्दी है। जो अपने गांव की चौहत्ती तक नहीं जानता वैसे शख्स को विधायक बनने की जल्दी है, वैसे शख्स को विधायक बनने की जल्दी है। अरे वाह, बहुत खूब, वाह वाह, तालियां, वाह वाह। नहीं दौलत नहीं शोहरत बस ईमान मिल जाए, नहीं दौलत नहीं शोहरत बस ईमान मिल जाए, खुदा के रूप में कोई एक इंसान मिल जाए। विदुर के घर बना है आज भी वो साग और सत्तू, फिर से कृष्ण सा कोई एक मेहमान मिल जाए, फिर से कृष्ण सा कोई एक मेहमान मिल जाए। कि जो हम खो दिए धरती का वो सम्मान मिल जाए, पराए पीर को समझे ऐसा ज्ञान मिल जाए। लंका फिर उसी है रूप में अकड़न लिए खड़ी, लंका फिर उसी है रूप में अकड़न लिए खड़ी, अहम उसका मिटाने को कोई हनुमान मिल जाए, अहम उसका मिटाने को कोई हनुमान मिल जाए। कि रख के हाथ पर ही हाथ कुछ मिलता नहीं यारो, रख के हाथ पर ही हाथ कुछ मिलता नहीं यारो, बिना कीचड़ कमल कहीं रेत पर खिलता नहीं यारो। रख के हाथ पर ही हाथ कुछ मिलता नहीं यारो, बिना कीचड़ कमल कहीं रेत पर खिलता नहीं यारो। हो दरबार रावण का सभी सुरवीर बैठे हो, रखा हो पांव अंगद का तो हिलता नहीं यारो, रखा हो पांव अंगद का तो हिलता नहीं यारो। सियासी हो कोई रिश्ता तो तुम विश्वास मत करना,
सियासी हो कोई रिश्ता तो तुम विश्वास मत करना, सुदामा कृष्ण की मैत्री का फिर तुम आस मत करना, दानवीर कर्ण बनने की हिमाकत गर्ज करते हो, सुदामा हो कोई साथी हो जो दुर्योधन उसे निराश मत करना, साथी हो जो दुर्योधन उसे निराश मत करना। कि तीनों लोक का विजयी दशानन हार जाता है, सभा में एक अबला से दुशासन हार जाता है, तीनों लोक का विजयी दशानन हार जाता है, सभा में एक अबला से दुशासन हार जाता है, लौकुश बांध लेते हैं जब खिलवाड़ में घोड़ा, विवश होकर अयोध्या का सिंहासन हार जाता है, विवश होकर अयोध्या का सिंहासन हार जाता है। द्रोणाचार्यों के छलबल ने दर्द और संतरास लिखा है, द्रोणाचार्यों के छलबल ने दर्द और संतरास लिखा है, एकलव्य के अंगूठे ने अर्जुन का इतिहास लिखा है, द्रोणाचार्यों के छलबल ने दर्द और संतरास लिखा है, एकलव्य के अंगूठे ने अर्जुन का इतिहास लिखा है, भाग्य भाग्य रटने वालों ने ही सबका भाग्य लिखा, भाग्य भाग्य रटने वालों ने ही सबका भाग्य लिखा, किसी के हिस्से सारी नदियां किसी के हिस्से प्यास लिखा है, किसी के हिस्से सारी नदियां किसी के हिस्से प्यास लिखा है। चक्र सुदर्शन लेके सोने गीता का उपदेश दिया था, चक्र सुदर्शन लेके सोने गीता का उपदेश दिया था, मगर युद्ध की रणभेरी ने मानवता का नाश लिखा है, मगर युद्ध की रणभेरी ने मानवता का नाश लिखा है। हुए प्रफुल्लित सभी अवध में राम यहां महाराज बनेंगे, हुए प्रफुल्लित सभी अवध में राम यहां महाराज बनेंगे, पर कैसे हो राज तिलक उनको तो बनवास लिखा है, पर कैसे हो राज तिलक उनको तो बनवास लिखा है। एक पुत्र के लिए सुदोधन क्या क्या जुगत लगाए थे, एक पुत्र के लिए सुदोधन क्या क्या जुगत लगाए थे, पर बनना हो बुद्ध जिन्हें उनको तो संन्यास लिखा है, उनको तो संन्यास लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।